हज़रत रहमतुल्लाह ताला के पास ना एक मजज़ूब आया, आके कहने लगा, आपने शेर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीन पे भी आसमान पे भी है। वो थे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, लेकिन होती है पहुँच की बात। जैसे दुनियावी मिसाल दे के समझाने लगा हूँ कि नाज़म के इख्तियार एक हद तक है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। वो कहे नहीं, मैं MNA के भी इख्तियार से आगे निकल जाऊँ तो वो नहीं जा सकता। अब MNA और MPA के भी इख्तियार हैं, वो वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच सकते, उनके एक लिमिटेड इख्तियार हैं। तो विलायत के भी दर्जे होते हैं। तो आला हज़रत वक़्त के मुजद्दिद, और मुजद्दिद वो होता है जो सदी के आखिर में आता है और पूरे 100 साल के अंदर जो खराबियाँ पैदा होती हैं ना, उसके कलम से ऐसे ऐसे आश्कार निकलते हैं कि अल्लाह ताला सारी खराबियाँ और बर्बादियाँ ख़त्म करके दीन को नई तजदीद अता फरमाता है, नया फिर से दीन को रूज मिलता है। तो आला हज़रत के कलम से ऐसे ऐसे शाहकार निकले। तो आला हज़रत मुजद्दिद आपका लेवल उससे ऊपर का था। वो कहने लगा, मैंने नज़र दोहरा के देखी है, मुझे ज़मीन पर हुकूमत नज़र आई है, आसमान पर नज़र नहीं आई। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि नबी पाक की हुकूमत ज़मीन पर भी है और नबी पाक की हुकूमत आसमान पर भी है। तो इसी पर तकरार हुआ, बहस हुई। बहस करते करते बात इतनी बढ़ गई कि वो मजज़ूब ज़रा गुस्से में आ गए कि मेरी बात से इनमें थोड़ा जलाल भी होता है। और गुस्से का नतीजा क्या निकला कि आला हज़रत के बड़े बेटे ना छत से गिर के ना बेहोश हो गए। घर से पैगाम आया कि वो होश में नहीं आ रहे, तबीब को दिखाया तब भी होश में नहीं आ रहे। घर वालों को पता चला कि आला हज़रत की ना एक मजज़ूब से ना बहस मुबासा हो गया। और बहस किस बात पे हुई है कि नबी पाक की हुकूमत ज़मीन पर है, आला हज़रत फरमाते हैं आसमान पर भी है, और मजज़ूब कहता है कि ज़मीन पर है आसमान पर नहीं है। तो इसी पर तकरार हुआ। तो घर वाले कहने लगे, आपको किसने कहा था मजज़ूब से उलझें जाकर? तो आला हज़रत ने कहा, अच्छा ये जो मेरा बेटा गिरा है और बेहोश हुआ है, इसे होश नहीं आ रही, तबीब को दिखाया सबको दिखाया, ये इस वजह से हुआ? आला हज़रत फिर जलाल में आके कहने लगे, अब मैं जो बात कहने लगा हूँ वो लिख लो और रहती दुनिया को मेरा पैगाम देना। ये तो आला हज़रत का एक बेटा है, अगर आला हज़रत को अल्लाह 1000 बेटे भी देता ना, और 1000 के 1000 कुर्बान करके भी आला हज़रत यही कहते, नबी पाक की हुकूमत ज़मीन पर भी है, नबी पाक की हुकूमत आसमानों पर भी है। इतनी बात कहने की देर थी, किताबों में लिखा है ये जुमला, जब इश्क भरा जुमला आपकी ज़ुबान से निकला, बेटा फौरन जो है वो बेहोशी से निकल कर होश में आ गया। आला हज़रत ने फरमाया, इतनी सी बात थी। आला हज़रत ने कलम उठाया, चले गए अपने दौलत खाने पे, मजज़ूब आ गया, आके हाथ बांध के अर्ज करता है, हुजूर पहले ज़रा पहुँच कम थी, अब रात को दीदार करवा दिया गया, मुझे भी बता दिया गया और दिखा दिया गया, नबी पाक की हुकूमत ज़मीन पर भी है और नबी पाक की हुकूमत आसमानों पर भी है।